सबसे पहले तो ये कहूँगी कि जैसा मैम ने बताया कि मैंने कैसे शुरुआत की, या स्कूल में थोड़ा सा दिमाग में था, तो हाँ स्कूल में थोड़ा सा कहीं सोचा था, कहीं शायद पढ़ लिया होगा, कहीं सुन लिया होगा कि नहीं IAS ऑफिसर नाम की कोई चीज़ होती है। लेकिन तब ये भी नहीं पता था कि यार UPSC नाम की कोई एग्ज़ाम है, सिविल सर्विस एग्ज़ाम है, उससे और भी पोस्ट में आप सिलेक्ट हो सकते हैं, ऐसा कुछ नॉलेज नहीं था। जब मैं अपने कॉलेज लेवल में आई, जब कॉलेज में एडमिशन लिया, मैंने भोपाल से ही प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से केमिकल इंजीनियरिंग किया है, और उस दौरान मुझे जब मैंने सोचना शुरुआत की कि क्या बनना है, कंटेम्पलेट किया कि एग्जैक्टली क्या करियर चाहती हूँ, तो लगा कि यार कहीं जो पुरानी ड्रीम थी, एक जो सपना था, वो अभी उसको सामने लाना चाहिए। इस एग्ज़ाम के बारे में जो चीज़ें मुझे एक दो साल में समझ में आई हैं, वो कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो पहले जय और रचना हम दोनों बोल चुके हैं कि कंसिस्टेंसी। आप अगर दिन में, कई बार हमसे सवाल पूछते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, तो देखिए घंटे मैटर नहीं करते। कोई 17-18 घंटे हमें नहीं पढ़ना है, उतना हम पढ़ भी नहीं सकते। एक दिन पढ़ सकते हैं, दूसरे दिन नहीं पढ़ पाएंगे। 5 से 6 घंटे ही आपको देने हैं या उतने निकालने हैं, पर वो जो वक्त आप अपनी पढ़ाई को देते हो, वो कंसिस्टेंटली आपको रोज़ उतना ही अपने पढ़ाई को देना है। कंसिस्टेंसी इज़ द की, दैट इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ इस एग्ज़ाम में मुझे लगता है इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जर्नी लंबी होती है। जैसे एग्ज़ाम ही एक साल तक चलती है, आप प्रिलिम्स देते हैं, फिर आप मेंस देते हैं, आप इंटरव्यू में जाते हैं पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, तो एग्ज़ाम एक साल तक खुद चलती है। उसके पहले मान लीजिए आप 1-1.5-2 साल पहले से प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये जर्नी काफ़ी लंबी रहती है। उस जर्नी में मेंटली अपने आप को मोटिवेट रखना, अपने आप को बूस्ट करते रहना, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए अपने आप पर भरोसा बेहद ज़रूरी है। यू नीड टू हैव अ फेथ इन योरसेल्फ कि अगर आपने इसमें कदम रखा है, अगर आपने सोचा है कि आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम देना चाहते हैं और देंगे, तो आपको ये ठान के उसमें जाना है कि हाँ मैं ये कर सकता या कर सकती हूँ। ये एक अपना मोटिवेशन, अपने साथ एक फेथ बिलीफ अपने ऊपर आपको हमेशा रखना है। कमिंग टू प्रेपरेशन की कैसे तैयारी करनी है, बहुत सारी बातें आप सुन चुके हैं कि आंसर राइटिंग में कैसे करना होता है, आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो मैं शुरू में सबसे पहले ये कहूँगी कि मेरे प्रिपरेशन का बेस दो चीज़ें रहीं। पहला था करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इसलिए मैंने उसको उसी से शुरुआत की क्योंकि करंट अफेयर्स सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। कई बार आपको हिस्ट्री कभी बोरिंग लगेगी, कई बार आपको लगेगा ज्योग्राफी इतना, कभी हर किसी के अपने अपने फेवरेट्स होते हैं, तो मुझे वो दो सब्जेक्ट्स लगते थे कि यार इतना मन नहीं करता है। लेकिन न्यूज़पेपर्स और करंट अफेयर्स में जो भी नया चल रहा है, वो मुझे हमेशा इंटरेस्टिंग लगता था। इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या हो रहा है, क्या सोशल रियलिटीज़ हैं, कहाँ क्या हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन पे और हमारी कंट्री पे, तो उसको आप अपना एक बेस बना सकते हो। आप करंट अफेयर्स बेस प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसलिए भी क्योंकि अगर आप मेंस एग्ज़ाम देखेंगे तो काफ़ी डायनामिज्म आ गया है, केवल प्रिलिम्स में नहीं बल्कि जनरल स्टडीज़ पेपर 2 पेपर 3 में भी आप देखेंगे कई सारे ऐसे सवाल हैं जो करंट इवेंट्स से इंस्पायर्ड होते हैं, उन पर बेस्ड रहते हैं। तो जब आप न्यूज़पेपर बेस्ड करंट बेस्ड पढ़ाई करते हैं, तो वो आपका प्रिपरेशन वहाँ से भी कवर हो सकता है। दूसरी जो चीज़ मैंने जिस पे बहुत फोकस किया, वो थी आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग का, जैसे खान सर बता रहे थे कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत की, तो उसके पीछे मेरा ये था कि जब मैं हमेशा प्रिलिम्स का कोई भी पेपर टेस्ट देती थी, हम मॉक टेस्ट देते हैं, तो मॉक टेस्ट देती थी तो हमेशा मेरे मार्क्स करीब 90-110-120, इससे ऊपर मेरे कभी मार्क्स नहीं जाते थे। तो मुझे हमेशा ये डर था कि यार प्रिलिम्स में कहीं मेरा कुछ, क्योंकि कट ऑफ भी इसी कुछ रेंज में जाता है, तो हमेशा लगता था कि यार कुछ गड़बड़ यहाँ ना हो जाए। लेकिन जब मैंने आंसर राइटिंग की और मेंस एग्ज़ाम के बारे में जाना, तब मुझे लगा कि आंसर राइटिंग एक ऐसी चीज़ है, मेंस एक ऐसा फेज़ है सिविल सर्विस एग्ज़ाम का जहाँ पे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव रिटन द आंसर्स, इफ़ यू नो कि यू हैव कवर्ड द पॉइंट्स वेल, इफ़ यू हैव इंक्लूडेड उसमें कुछ आपने फैक्ट्स, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, आपने कुछ ऐसे उसमें सॉल्व भी डाला है, तो जो रिजल्ट आएगा वो सेटिस्फैक्ट्री ही आएगा, अच्छा ही आएगा। तो मेंस एक ऐसा पार्ट है जिस पे आप काफ़ी बैंक ऑन कर सकते हो। मैं जब पर्सनालिटी टेस्ट भी मैंने दिया, तो इस बार भी आप नंबर्स देखेंगे तो आसपास की रैंक के हिसाब से मेरे नंबर्स उसमें कम हैं, लेकिन इट इज़ जस्ट दी जनरल स्टडीज़ एंड दी आंसर राइटिंग पार्ट, जो मेंस के जो वो है मार्क्स हैं या मेंस का जो एक फैक्टर रहा, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर रहा है। तो अपना एक्सपीरियंस यही बताऊँगी कि आंसर राइटिंग पर आप विशेष फोकस कीजिए,
जैसा स्ट्रक्चर आपको बता ही चुके हैं कि इंट्रोडक्शन में कैसे आपको शॉर्ट रखना है बॉडी एंड देन कंक्लूजन, उसमें छोटी चीज़ जैसे मैं अभी मेंशन कर रही थी, आप एक इंश्योर कीजिए कि देखिए जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं वो दिन में 10-15-20 कॉपीज चेक कर रहे हैं, तो उन सब से आपको अलग कैसे आप अपनी कॉपी दिखा सकते हो, ये चीज़ आपका प्रेजेंटेशन और आप जिस तरीके से आंसर लिखते हो कॉन्टेंट को वो मैटर करेगा। आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपके आंसर में कुछ फैक्ट्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स, कुछ कमिटीज़ बैठती हैं, जैसे एक प्रिवेसी पे जस्टिस बी एन श्री कृष्णा कमिटी की रिपोर्ट आई है, तो आप मान लीजिए आपको कोई प्रिवेसी पे सवाल आ गया तो आपने उन कमिटी का नाम कोट कर दिया, ऐसे बहुत सारी कमिटीज़ होती हैं। कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आते हैं वो आप उनको इनके बारे में लिख सकते हैं। इंडिया का मैप आप बना सकते हैं, मैंने सीख लिया था कि 10-15 सेकेंड्स में कैसे जल्दी से मैप बनाना है और उस पर कैसे पॉइंट कुछ करना है, कुछ लोकेट करना है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके आंसर्स को एनरिच करेंगी और प्रेजेंटेबल बनाएंगी। तो इस तरीके से आंसर्स पे जैसे हम क्लास करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये कोशिश करनी है कि 1-2 आंसर पर डे आपको ज़रूर लिखने ही लिखने हैं अपार्ट फ्रॉम द टेस्ट सीरीज दैट यू आर डूइंग। आंसर राइटिंग से 2-3 चीज़ें होती हैं, ना केवल हमारी एक लिखने का हमें समझ आता है हम क्या लिखते हैं कैसा है, पर हमारा कॉम्प्रिहेंशन भी इम्प्रूव होता है, हमें कितना समझ में आया वो भी हमें खुद समझ आता है जब हम आंसर्स लिखते हैं, और इसीलिए आंसर राइटिंग पे आप फोकस कीजिए, 1-2 आंसर ज़रूर लिखिए। और आंसर राइटिंग के बाद द थर्ड पिलर ऑफ माय प्रेपरेशन जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट जिसने रोल प्ले किया दैट वाज टेस्ट्स एंड टेस्ट सीरीज एंड मॉक्स। देखिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, आई ऑल्सो कम टू द पॉइंट कि हम कैसे दिल्ली भोपाल और इंदौर में प्रिपेयर करके बिना दिल्ली जाए हम कैसे कर सकते हैं, आई कम टू दैट पॉइंट, पर उसके पहले टेस्ट की थोड़ी बात कर लेती हूँ कि टेस्ट देना क्यों ज़रूरी है। हम ये जो एग्ज़ाम दे रहे हैं सिविल सर्विस की, ये एक ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम है एंड दिस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, तो उसके लिए आप केवल पढ़ते रहे सारी बुक्स मटेरियल्स स्टैंडर्ड ये करंट का सब पढ़ लें, लेकिन अगर आप ये नहीं जज कर पाए कि आपका क्या लेवल है एट एन ऑल इंडिया लेवल, तो चीज़ें समझ में आप नहीं, मतलब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे या सही डायरेक्शन नहीं पकड़ पाएंगे, तो इसलिए आप टेस्ट से घबराइए मत। कई बार टेस्ट का इनर्शिया होता है, ऐसे लगता है कि जब तक पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर लूँ तब तक टेस्ट नहीं दूंगा, लेकिन सच में बात ये होती है कि जब तक हम जीएस के मतलब पेपर देने अंदर भी घुसते हैं ना, तब भी उस सेकंड पे लग रहा होता है कि कुछ छूट गया है हमारा, तो ये चीज़ होगी ही, इसीलिए ये मैं कभी मत सोचिए कि जब तक पूरा सिलेबस नहीं कर लूँ टेस्ट नहीं दूंगा। जैसे आपका एक थोड़ा बेस बन जाता है प्रिपरेशन का, आप टेस्ट दीजिए, चाहे वो प्रिलिम्स का एमसीक्यू का टेस्ट हो या मेंस का राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस हो, टेस्ट पे आप फोकस कीजिए। उसके बाद टेस्ट केवल देने के लिए नहीं देना है, उसको एनालाइज भी अच्छे से करना है। व्हेन यू गेट दी आंसर हिंट्स, व्हेन यू गिव दी गेट दी आंसर कीज, एनालाइज प्रॉपरली कि आपकी क्या गलती हुई है, और उससे भी सीखने की कोशिश कीजिए कि क्या कुछ नया मुझे इस टेस्ट पेपर से या इस आंसर कॉपी से मिल सकता है। तो इस तरह से टेस्ट पे भी आप फोकस कीजिए। एंड आई विल कम लास्टली टू द पॉइंट कि जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आते आते, तो मन में बहुत सारे फियर्स थे। मैं भी एक नॉर्मल फैमिली से हूँ, मेरे फैमिली में किसी ने आज तक सिविल सर्विस का पेपर भी नहीं लिखा था, तो मन में बहुत सारे फियर्स थे, डाउट्स थे, क्या होगा कैसे होगा, तो हो सकता है आपके मन में भी ऐसा होगी। बस एक चीज़ है, आप ज्वाइन करते हैं क्लास, दैट विल ओनली प्रोवाइड यू अ डायरेक्शन, वो आपका रास्ता दिखा सकते हैं आपको कि इस रास्ते पर आपको चलना है, लेकिन चलना उस रास्ते पर आपको खुद है, यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन। कभी ये मत सोचे कि मैं वहाँ नहीं जा पा रहा हूँ तो नहीं हो सकता, यहाँ है तो हम एक्सक्यूजेस बनाते हैं, कई बार चैलेंजेस आते हैं। तो मैंने कॉलेज के साथ प्रिपरेशन की तो उसमें भी काफ़ी दिक्कत आती थी, कभी कभार कॉलेज की एग्ज़ाम होती थी तो इसमें मैं अपना उतना वक्त नहीं दे पाती थी, तो उस मोमेंट पे फिर प्लानिंग ने मुझे बहुत हेल्प किया कि हम किस तरीके से अपने कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए प्लान कर लें। जैसे मैंने इंजीनियरिंग की है और मुझे पता है कि हम इंजीनियर्स 1 महीने से ज़्यादा पहले से पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते हैं क्या, तो वो चीज़ आप ध्यान रख सकते हो, उसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सकते हो। 1-1.5 महीना जब एग्जाम इज अप्रोचिंग, आई यूज़ टू प्लान माई एंटायर सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के, आई यूज़ टू मेक माई नोट्स, उस तरीके से उसको मैं पढ़ाई उसको संभाल लेती थी। तो वेन एवर यू आर मैनेजिंग दोज थिंग्स टुगेदर, फोकस ऑन प्लानिंग, किस तरीके से आप एक माइक्रो प्लान बनाएं, अपना डेली एक प्लान बनाएं, वीकली टारगेट सेट करें और एक ब्रॉड विजन दिमाग में रखें
कि ब्रॉडली आप मंथ्स में क्या कवर करने वाले हैं। अगर आप प्लानिंग अच्छे से करते हैं तो ज़्यादातर पोर्शन आपका वहीं से कवर हो जाता है, और जब आप टारगेट्स बनाते हैं उनको टिक करते हैं तो एक सेंस ऑफ कम्प्लीशन भी आपको मिलता है कि यस आई एम ऑन द राइट पाथ, और मैं सही जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो इस तरीके से प्लानिंग पे भी इक्वली फोकस कीजिए, एंड बस यही सिंगल बिगेस्ट मैसेज मेरी तरफ से यही रहेगा कि आपने अगर ठान लिया है, अगर आप सोचते हैं कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, तो आपके आपको रोकने वाला और कोई नहीं, आप खुद ही हो सकते हैं। तो खुद आप अपनी रुकावट कभी मत बनिए, एक्सक्यूजेस मत बनाइए। ऑब्स्टिकल ज़रूर आएंगे, उन्हें आपको चैलेंज करना है, चैलेंजेस आर मेंट टू बी चैलेंज्ड। तो सही तरीके से अपने ऑब्स्टिकल्स को हैंडल कीजिए, और इस एग्ज़ाम में अगर आप सही स्ट्रैटेजी रखते हैं तो आप अपने एक अटेम्प्ट में ही इसको क्रैक कर सकते हैं। एंड एनीवेज आप जो भी अटेम्प्ट नेक्स्ट रखते हैं, दिल में यही रखिएगा कि जो ये मेरा नेक्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, ये मेरा बेस्ट अटेम्प्ट होने वाला है। कभी भी इस एग्ज़ाम को हाफ हार्टेडली मत दीजिए कि चलो देखे देखता हूँ कैसा है पैटर्न का एग्ज़ाम का। अगर एग्ज़ाम का पैटर्न देखना है ना, तो घर पे 3 घंटा टाइम लगा के एग्ज़ाम दे दो। पर केवल पैटर्न देखने के लिए एग्ज़ाम अटेम्प्ट मत कीजिए। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं या कोई अटेम्प्ट आपने सेट किया है, तो अपना सब कुछ उस एग्ज़ाम को दीजिए, अपना टाइम, एनर्जी, फोकस, जितना भी करेक्ट आप उसमें पॉजिटिविटी डाल सकते हैं उसको दीजिए, एंड पूरी तैयारी के साथ ही इस पेपर को दीजिए, एंड आई एम श्योर दैट यू विल सक्सीड। सो टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड गुड लक। थैंक यू सो मच।